अब विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे और साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे, चित्रण भी इस माम उपयोग में लाएंगे और थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म भी होगा। तो विद्युत क्षेत्र, इसका आशय क्या है? किसी बिंदु आवेश क्यू के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, बिंदु आवेश क्यू का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मापन कैसे करते हैं? विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परिमाण के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। सूत्र के रूप में E=F/Q0। तो E की दिशा वही होगी जो F की दिशा है। तो दिशा को इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की ही दिशा में होती है। अब यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना हो तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु पी जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, इस पर लगने वाले बल की गणना करेंगे और फिर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान निकाल के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली जाएगी। तो इन दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मान लो ये बिंदु P बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित है, तो क्या होगा? परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा F। धन आवेश के कारण परीक्षण आवेश जो कि हमेशा धनात्मक होता है, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा बाहर की ओर को, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होता है F/Q0। तो F का मान कूलाम के बल से निकाल लेंगे, F=1/4πε0 Q1 Q2/r2। तो यहाँ पर पहला आवेश Q है और दूसरा आवेश हमने परीक्षण आवेश के रूप में लिया है, तो Q Q0/r2। तो इसको अगर हल करें तो E=F का मान रख देंगे, 1/Q0 × F ऐसे भी कहा जा सकता है। तो 1/Q0 1/4πε0 Q Q0/r2। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4πε0 Q/r2। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। बिंदु आवेश Q के कारण उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε0 Q/r2। अब क्या होगा? जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे, हमें इस तरह की आवश्यकताएं पड़ेंगी कि एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश रखा है, उस पर कहाँ को बल लगेगा। तो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में परीक्षण धन आवेश पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, ये परीक्षण आवेश धनात्मक हमने ले रखा है। तो हमको इस तरह की आवश्यकताएं होंगी, तो वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को हमें व्यक्त करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने के लिए विद्युत बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो कैसे ये खींची जाती हैं, इसकी अब बात करते हैं। एक बिंदु आवेश, धनात्मक बिंदु आवेश प्लस क्यू, इसकी हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा को रेखाओं के द्वारा दिखाना है। तो कैसे इसको करेंगे? तो मान लो एक बिंदु हमने लिया जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो परीक्षण आवेश रखेंगे, परीक्षण आवेश पर बल कहाँ को लगेगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध ले ली हमने, इसी सीध में लगेगा। अब क्योंकि धन आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इस दिशा में एक बल लगेगा F। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो इस तरीके से यही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो अगर ये परीक्षण आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो ये यूं चलने लगेगा। तो कहीं पर भी अगर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना हो, जानना हो, तो क्या करेंगे? परीक्षण आवेश जहाँ को चलेगा
वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वही बल रे वैद्युत बल रेखा कहलाएगी। तो ये एक बल रेखा हमने खींच ली। इस तरीके से अब दूसरी जगहों पे भी खींच लें, तो एक बिंदु की हमने बात करी, अब एक दूसरा बिंदु, जैसे कि ये एक बिंदु ले लिया हमने, यहाँ पर बल रेखा कैसे खींचेंगे, तो जैसे ऊपर किया बिल्कुल वैसे ही दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा की सीध में बल लगेगा। तो अब एक काल्पनिक चित्र दिमाग में बनना चाहिए, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की सीध में, तो यह आवेश उसी दिशा में चलेगा। तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इस रेखा के द्वारा प्रकट की गई है, तो वैद्युत बल रेखा यहाँ पर ऐसे होगी, ऐसे ही किसी अन्य बिंदु में। तो इस तरीके से बल रेखाएं हम पूरे स्पेस में इस बिंदु के चारों ओर बल रेखाएं खींच सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि बल रेखाएं कैसे खींची जा रही हैं। तो इस तरीके से धन आवेश के कारण, धन बिंदु आवेश के कारण जो बल रेखा होती है वो कैसे होती है, उस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है और अनंत की ओर को अग्रसर हो जाती है। अब इस दिशा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि बिंदु आवेश को केंद्र मानते हुए एक गोला अगर खींचें, तो ये बल रेखाएं उस गोले की त्रिज्याएं होती। तो इस तरीके से ये बल रेखाएं त्रिज्यीय दिशा में हैं, ऐसे भी इसको बोला जाता है, ठीक हो गया। अब अगर मान लो हम बात करें वैद्युत क्षेत्र के परिमाण की, तो जैसे हमने बल रेखाएं खींची, यहाँ पर एक ही दिशा में खींच रखी, चारों ओर को नहीं खींच रखी, ऐसे ही दूसरी दिशाओं में भी होंगी, तो ये बल रेखाएं खींची गई हैं। जैसा हम देख रहे हैं बिंदु आवेश के नज़दीक बल रेखाओं के बीच की दूरी कम है, और जैसे जैसे बिंदु आवेश से हम दूर जा रहे हैं बल रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्रफल अगर हम लें, एक बार बिंदु आवेश के नज़दीक इस क्षेत्रफल से इस समय जितनी भी रेखाएं हमने दिखा रखी हैं चित्र में वो सब की सब गुजर रही हैं, और इसी क्षेत्रफल को अगर हम दूर लें, उतना ही क्षेत्रफल लिया गया है, तो अब इससे केवल दो बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो क्योंकि वहाँ पर बल रेखाएं पास पास हैं और दूसरी स्थिति में बल रेखाएं दूर दूर हो गई, तो केवल दो बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं। तो इस तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है और इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है। वास्तव में क्या करा जाता है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। अगर हम इसी क्षेत्रफल को कहें कि एकांक क्षेत्रफल है, तो पहली स्थिति में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएँ इस चित्र के हिसाब से अगर देखें तो 6 हमने खींच रखी हैं, तो परिमाण 6 होगा, और दूसरी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का परिमाण 2 होगा, क्योंकि दो बल रेखाएं जो है इसमें गुजर रही हैं। अब इसमें एक वैद्युत बल रेखाओं को खींचने का एक स्टैंडर्ड भी होता है कि कितनी बल रेखाएं खींचेंगे, किस हिसाब से खींचेंगे, तो वो चीज़ भी ध्यान में होनी चाहिए। जो बल रेखाओं को खींचने का तरीका होता है वो वैद्युत क्षेत्र का जो भी परिमाण हो, एकांक क्षेत्रफल से उतनी ही बल रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये पैटर्न होता है, उस हिसाब से बल रेखाएं खींची जाएंगी। अब अगर हमको ऋण बिंदु आवेश की बल रेखाएं खींचनी हो, तो ये एक ऋण क्यू बिंदु आवेश है, एक कोई बिंदु जहां पर हमें देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां को होगी, बल रेखा खींचनी है इस बिंदु पर, तो यहां पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे जो हमेशा धनात्मक होता है। बल कहां को लगेगा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की सीध में, तो इस तरीके से एक बल लगेगा एफ। तो यही बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, तो यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इस तरीके से इस रेखा के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त किया जा रहा है, तो वैद्युत बल रेखा ऋण आवेश के लिए। ऐसे ही दूसरे स्थानों पर खींचेंगे जैसे हमने पहले बारे में किया था, तो इस तरीके से हमको बल रेखाएँ प्राप्त हो जाएंगी। तो ऋण आवेश की जो बल रेखाएँ होती हैं अनंत से शुरू होती हैं और उस बिंदु आवेश पर आकर समाप्त हो जाती हैं। ये तो सिंपल से केस थे दो बिंदु आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। अब अगर किसी स्थान पर एक से अधिक आवेश हो तो क्या होगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी, तो हमें उस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखना होगा। अब क्योंकि एक से अधिक आवेश हैं, तो सभी आवेशों के कारण बल कहाँ को लग रहा है, जैसे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे,
उन सारे बलों का परिणामी ज्ञात करेंगे, तो वो जिस दिशा में लग रहा होगा परीक्षण आवेश उसी दिशा में चलेगा और वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो जैसे दो मान लीजिए एक प्लस और एक माइनस आवेश नज़दीक रखे गए हैं, उनकी बल रेखाएं हमको खींचनी है, तो वही एक कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे कि एक बिंदु पर परीक्षण आवेश रखेंगे, पहले आवेश के कारण बल कहाँ को लगा, दूसरे के कारण कहाँ को लगा, इनका परिणामी क्या होगा, आवेश वहाँ को चल पड़ेगा। अब क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा इसकी स्थिति बदलेगी, तो पहले आवेश से दूरी बदलेगी, बल बदल जाएगा, दिशा भी बदल जाएगी, तो परिणामी नई दिशा में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से बल की दिशा लगातार बदलेगी, तो एक सीधी रेखा नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। तो एक प्लस एक माइनस आवेश अगर रखा है तो बल रेखाएं वक्राकार होंगी, तो उसकी भी बात आगे चलकर करेंगे। तो फिलहाल आगे को बढ़ते हैं, और एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर हमको खींचना होगा, ये क्योंकि कई जगहों पर आएगा तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसा हमने देखा कि बल रेखाओं के बीच की दूरी उसके परिमाण को व्यक्त कर रही है, तो अगर परिमाण एक समान है तो बल रेखाओं के बीच की दूरी भी एक समान होनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब बल रेखाएं आपस में समांतर हों। तो इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र को अगर हमें दिखाना हो तो इसके लिए हमको बराबर दूरी पर समांतर रेखाओं के द्वारा इसको व्यक्त किया जाएगा, तो बल रेखाएं इस प्रकार से होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र से संबंधित ये नोट्स भी हम बना सकते हैं और मैथमेटिकल इसका एनालिसिस जो था इसको भी हम समझ सकते हैं। शेष अगले एपिसोड में।